कोरोना की भेंट चढ़ा 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस। आज मैं यहाँ पर कैथेड्रल सेंट फ्रांसिस में खड़ा हूँ जो हर्षदगंज में स्थित है। यहाँ पर 25 दिसंबर मनाया जाता था बहुत ही उल्लास के साथ, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते थे यीशु को यहाँ पर देखने के लिए जहाँ पर था। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हमारे साथ फादर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि अब की 25 दिसंबर की क्या तैयारियाँ हैं और क्यों नहीं मनाया जाएगा अब की 25 दिसंबर। वैसे तो क्रिसमस हमारे लिए, क्रिश्चियन समाज के लिए और सब देशवासियों के लिए बड़ा त्यौहार है और प्रभु यीशु का जन्म मना रहे हैं हम क्रिसमस के दिन। और प्रभु यीशु को शांति का राजा कहलाता थे, शांति का दूत। इसी शांति के लिए हम प्रार्थना करते हुए हम तैयारी कर रहे हैं। परंतु इस साल कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से हम धूमधाम से मनाएंगे, यानी झांकियाँ हैं और डेकोरेशंस इल्यूमिनेशन है, लोग आएंगे पर नियंत्रित, नियंत्रण में रखेंगे नंबर। यानी हम 3 बार पूजा पाठ होगा, हर पूजा पाठ एक घंटा और 1.5 घंटा तक हो जाएगा। हर पूजा पाठ में हम लोगों ने हमारे मेंबर्स के लिए 5 इश्यू किए हैं, यानी 200 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। दूसरे लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन उनको ट्रांसमिट करें जो अपने घरों में ही पूजा पाठ को देख सकें और भाग ले सकें। और 25 को दूसरे सालों में 1 लाख लोग आते थे सुबह से शाम तक, इस बार इतने लोग नहीं आ पाएंगे। हम लोगों ने पुलिस शासन से बताया है, वो नियंत्रण में रखेंगे द नंबर जो आएंगे, यानी हर बार हर घंटे में, अरे आधा घंटे में 200 लोग होंगे कंपाउंड में। वो झांकियाँ सब प्रार्थना करके मोमबत्ती जला के गुरुओं के सामने, वो जब पीछे के गेट में निकलेंगे दूसरे लोग आएंगे, ऐसा हमने आयोजित किया है। अच्छा, आपका 26 को भी आपका एक प्रोग्राम चुका है, तो क्या वो भी स्थगित किया गया कोरोना काल में? हर साल हमें 26 को एक शहर के वीआईपी लोगों के लिए प्रोग्राम, क्रिसमस प्रोग्राम आयोजित करते थे, जिसमें हर बार हम गवर्नर साहब आते थे, दिनेश शर्मा जी आते थे और अन्य आईएएस ऑफिसर, हम धर्म गुरु विशेष करके एक धर्म का पर्व है, आते थे भाग लेते थे। पर इस बार कोरोना की वजह से हम लोगों ने इसको कैंसिल किया। क्या संदेश देना चाहते हैं आप अभी अपने देशवासियों को ये 25 दिसंबर के क्रिसमस? सब मानव जाति के लिए एक शांति का पर्व है, हम यही चाहते हैं कि सारी विश्व में शांति आ बसे, हमारे देश में शांति आ बसे, हमारे परिवारों में विशेष रूप से हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में, जीवन में भी शांति आ बसे। हमारे साथ फादर थे मौजूद यहाँ पर, जिसे हम बात कर रहे थे 25 दिसंबर की। 25 दिसंबर जो है आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कि कैंपस में खड़ा हूँ, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते थे, मगर अब की 25 दिसंबर जो है नहीं मनाया जाएगा क्योंकि कोरोना काल की भेंट चढ़ा है 25 दिसंबर। ये पूरा कैंपस है, यहाँ पर पब्लिक रहती थी। वहाँ के जो फादर हैं उन्होंने बताया है 200 लोगों की एंट्री होगी और एंट्री जो है पास जो है वो दिखाकर 200 लोग अंदर आएंगे, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद रहेगी, जिससे 200 लोग अंदर आएंगे तो यहाँ से बाहर वाले गेट से उनको रिलीज़ किया जाएगा, फिर दूसरे लोग अंदर यहाँ पर आएंगे। तो देखना ये है कि पब्लिक को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए, कोरोना काल चल रहा है और बहुत तेज़ी से अभी भी कोरोना खत्म नहीं है, उसका ध्यान रखते हुए अपने घर पे ही 25 दिसंबर मनाएं और घर में रहें, खुश रहें, क्योंकि ये जीवन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वकार हुसैन, पावर ऑफ जन अधिकार से। लखनऊ कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर शाम को होने वाला क्रिसमस ड्रामा एवं महामारी को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर शाम को होने वाला क्रिसमस ड्रामा एवं 26 दिसंबर शाम को होने वाला वीआईपी क्रिसमस मिलन को रद्द कर दिया गया। ईसाई समुदाय बड़े हर्षोल्लास के साथ 25 दिसंबर को प्रभु येशु यानी ईसा का जन्मोत्सव क्रिसमस पर्व मनाते हैं। इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2020 आगमन काल के पहले इतवार के साथ आरंभ हुआ। आगमन काल को अंग्रेजी में एडवेंट सीजन कहा जाता है। 3 सप्ताह का आगमन का समय बेथलहम में प्रभु येशु के जन्मोत्सव मनाने हेतु आध्यात्मिक तरीके से तैयारी करने का सुंदर समय है। स्कूल परिसर में रक्षा व्यवस्था कभी पहले से ज्यादा लिया जा रहा है। यहाँ पर भले ही तैयारियाँ शुरू हुई हो, लेकिन महामारी के हालात को ध्यान में रखते हुए सरकारी निर्देश अनुसार इस साल क्रिसमस मनाया जाएगा। वकार हुसैन की रिपोर्ट।